हेलो क्लास नाइन्थ। सो लास्ट क्लास हमने 1.3 का मतलब थर्ड क्वेश्चन तक लगभग कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बचा था। सो होप आपने सबने होमवर्क कर लिया होगा। सो अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपको उसका सेकंड पार्ट। सो देखो ये है क्या सिंपल, आप क्वेश्चन में लिखा है पीएफओ क्योंकि फॉर्म में करना है। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन करे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आपको उसमें क्या कह रहा है, इसको पीएफओ क्योंकि फॉर्म में करना है। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, लेट कर देते हो, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार। फिर आपको करते हो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, किससे आप क्या करोगे, जितनी डिजिट रिपीट रखे हैं उससे। जिसकी यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है हमारे पास, तो आप 10 से करोगे है ना। तो मल्टीप्लाई प्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब 10 से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड, यहाँ पे क्या 10x। अब यहाँ पे क्या जाएगा, एक पॉइंट आगे आ जाएगा, जिसकी मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि एक डिजिट पॉइंट के आगे आ जाएगी, बिकॉज हम 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4.7 बार हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, माइनस करते हो इन दोनों को, ठीक है। बट ध्यान दो, मैंने लास्ट क्लास क्यों नहीं कराया है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही करना होता तो मैं लास्ट क्लास ही करा देता ना। ये तो थोड़ी यूनिकनेस है। क्या है इसकी, अगर आप यहां माइनस करते हो तो क्या करते हो, देखो 4.7 बार बड़ा है, माइनस करते हो 0.47 बार से। अब जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो सिंपल सी बात बताओ कि जब मैं इसको माइनस करूंगा, 7 बार के नीचे 4 है तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। ये जाएगा 7 7 डॉटर 7 7 डॉटर। तो एक बात बताओ ना, जैसे हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करे हैं उसमें कैसी सिचुएशन आती थी, मैं आपको दिखाऊं। तो देखो जैसे इसमें हमने करा, तो इसमें हम जो माइनस कर रहे हैं, तो हम जैसे इसको इसको इससे माइनस करा। अब जब माइनस करके देखोगे ना, तो 0 0 1 मतलब जो बार वाला है उसके नीचे बार वाला आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे बार वाले के नीचे बार वाला आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पे देखो ये पैटर्न है। यहाँ पे जैसे मैंने करके दिखाते हैं, यहाँ देखो बार वाले के नीचे बार वाला आ रहा है ना, जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें ऐसे आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब बोलोगे सर दिक्कत क्या, नहीं आ रहा तो क्या हो गया, अब हम खोल के कर देते हैं। बट नहीं, समुद्र को ना समुद्र ही काट सकता है, लोहे को लोहा काट सकता है, एल्यूमिनियम नहीं काटता उसको। तो इसलिए बार वाला जब भी माइनस हो पाएगा, जब उसके नीचे बार वाला होगा। तो यहाँ पे एक स्पेस की दिक्कत हो रही है ना, जब भी ऐसा हो, जब भी बार वाले के नीचे बार वाला ना आ रहा, तो एक और जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाले को करना इन फर्स्ट, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 100x। अब जहां जब यहां से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 भी इधर आएगा, 7 भी इधर आएगा, दो डिजिट इधर आएंगे पॉइंट के, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.7 बार, ठीक है 0.7 बार हो गया। अब मैं इसको इससे माइनस करूंगा, बिकॉज अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो देखो, इसको इससे करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं इसको इससे करूंगा तो 47 बार ऐसे माइनस, इसको माइनस करूंगा इस तरीके से लिखूंगा, देखो ना 7 बार के 7 बार आ रहा है। बस मेन मोटिव हमारा यही होता है, ठीक है। अगर आपने जैसे कि सॉल्व करा है यहां तक डिजिट को देखा, अपने टेंथ में करा और आपका आ गया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना, आ गया तो जैसे करते हैं नॉर्मल वैसे ही करना है। तो अब आप करोगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से, तो माइनस कर 90x, और इसको अगर माइनस करके 7 बार में 7 कर रहा है 0 7 4 5 6 7 3 43.0, तो 43x इज इक्वल टू 43/90, ठीक है ये चीज। सो अब चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन से पहले मैं अगर आपको एग्जांपल्स बता दूं, तो आपको एग्जांपल नंबर अब करना है 9। इसकी वजह से ये देखो ना, एक स्पेस छोड़ के है, इसमें भी देख पा रहे होगे आप, बार पॉइंट के बाद जो डिजिटल उस पर नहीं है उसका एक स्पेस छोड़ के है। उस तरीके यूनिक क्वेश्चन होते हैं, बट सिंपल है। सबसे पहले देखो हमें 2 डिजिट रिपीट है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस करके देखना। अगर सिंपल बार के नीचे बार आ रहा है तो ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो अगला स्टेप करना, ठीक है। चलो हो गया ये, अगले पेज पे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी पढ़ लो अपनी बुक्स में, क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस 0.099 0.99999 0.9 बार कौन को पीओ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका कह रहा है कि आपने अपने आंसर से आप सरप्राइज हो, अगर यस तो बताओ कैसे, वरना अपने टीचर से पूछो, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें देखो, 0.9 बार दे रखा, तो पी ओपन की फॉर्म में आराम से कर देंगे लेट टैक्स, ये जैसे आप ही कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 10 से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, 10 मल्टीप्लाई करके तो एक डिजिट आ गया, देखिए तो 9.9 बार आ जाएगा, सही है। इसको समझ करेंगे 9x का लाइन लिख देना बस बीच में आप, इजिकल टू उसमें से ये गया, कितना बचा
यहाँ करके देख लो, चाहे आप ऐसे तो आप ना डायरेक्ट भी कर सकते हो आप तो। 9 बार में से 9 बार कट गया ना, 9 बचा बस। तो एक्स इज इक्वल टू 9/9, एक्स इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे सर ये क्या कह रहे हैं कि आई डू सरप्राइज विद योर आंसर, इनको ऊपर ही नहीं दे देना चाहिए था एक बार, क्योंकि इतना ईजी है, इतना 1 आ रहा है इसका आंसर, इतना बढ़िया आंसर आ रहा है इसका, ये क्या चीज की लिख रहे हैं, ये सरप्राइज क्या है ये। सो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा था, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, ठीक है। अब मतलब अगर मैं जो यहाँ पे आंसर आया है उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो उल्टा ये भी तो आना चाहिए, जब क्वेश्चन सीधी तरीके से होता है उल्टी तरीके से होना चाहिए ना। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये आया था 0.6 बार को हमने करा था, 2.3 आया था, अगर आप 3 बार रख के मैं 2 को डिवाइड करता हूँ ना, तो आप चाहे एक बार डिवाइड करके देख लो, 0.6 बार ही आएगा इसका आंसर, मतलब वेरीफाइड भी तो होना चाहिए ना उसका रिजल्ट। ऐसे अगर मैं 1/1 को डिवाइड करके देखो, जरा 1 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
इसलिए सो देखो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो. देखो आप इसके दो तरीके से सोच सकते हो इसको, ठीक है. पहली चीज यार 0.9999 है, तो उसका अप्रोक्स करके हम 1 लिखते हैं, ठीक है. ये तो होगी थ्योरेटिकल, बता प्रैक्टिकल देखो सॉल्यूशन. आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ ये आएगा कैसा आएगा, थोड़ा एजम्पशन करनी पड़ेगी. 1 आता है पर लो मत, यहां लगाओ 0.0 लगाया, 0 आ गया 9, 1 9 जा 9, 1 बचा पॉइंट लगा हुआ है 0, 9 जा 9, 1 बचा, ऐसे करके आता रहेगा, आ तो गया. तो आप अपने रीजन में ये पूरा करके दिखा सकते हो, ठीक है, जो भी इन्होंने रीजन बोला है ना. चलो अब आगे चलते हैं. अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन आप पढ़ लो पूरा. इसमें जिन्होंने ये लिखा है कि आपको रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे जब आप डेसिमल एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो. तो मैं पहले लिख चुका हूँ कि सिंपल आप उसको डिवाइड कर लेना. डिवाइड करने के बाद जैसे ही जो ऊपर डिजिट्स आएंगे वो उसका आंसर हो जाएगा. 0 करके डिजिट्स वगैरह लिखोगे जो आप, ठीक है. तो सिंपल ये बहुत लंबा जाएगा, तो बीच से स्टार्ट मत करना, आप उसको कोने से स्टार्ट करना. अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आपको जनरल समझा देता हूँ कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको एग्जांपल्स देने हैं कुछ, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो पी और अपॉन क्यू में, और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है. अब मेन बात आती है लास्ट में क्या लिखा है, कह रहे हैं आप ये बताओ कि क्यू की वैल्यू क्या हो जिससे ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है ना ऊपर वो सेटिस्फाइड हो जाए. सो क्यू की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इन्होंने क्या बोली है, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर ना हो. तो भाई ये तो दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर मैंने एक क्यू, लेट्स सपोज क्यू के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्यू पे डिपेंड नहीं करता कि इन दोनों में कौन फैक्टर होगा नहीं होगा, ये पी पे भी डिपेंड करता है क्यू पे भी करता है. बट अभी क्यू के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्यू के बारे में अगर ये पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, टर्मिनेटिंग की, क्योंकि वहां पे दो प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है ना, टर्मिनेटिंग और एक कॉमन फैक्टर वाली. कॉमन फैक्टर वाली मैंने बता दी कि क्यू पे डिपेंड नहीं है, क्यू पे क्या डिपेंड है, टर्मिनेटिंग. बिकॉज जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो किस पर डिपेंड होता है, उसके डिनोमिनेटर पे. अगर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 की टर्म्स में है, इन शॉर्ट 10 है, 20 है, 100 है, या फिर वो 50 है, इस टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है क्यू, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे वो टर्मिनेटिंग हो जाए. तो भाई वो 2 और 5 की टर्म्स में होना चाहिए. जनरल आपको ये दो लाइन लिखनी है, ठीक है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सी देखो ये तो आपको क्वेश्चन 6 समझ में आ गया. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. मैंने थोड़ा बहुत लिख ही रखा था पहले से. कह रहे राइट 3 numbers whose decimal expression is non-terminating and non-repeating. Non-terminating, non-repeating पता कौन सा वाला पार्ट होता है, जो कि रेशन होता है. अगर आपको नहीं पता मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले कराया भी था. ये देखो, ये देखो डेसिमल्स के अंदर जब मैंने कराया था ना, तो ये non-repeating वाला पार्ट होता है ना, इरेशनल होता है. Non-terminating, non-repeating, irrational. मतलब ये इस तरीके का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं. ये था ना एक एग्जाम्पल हमने यहाँ भी दिया था, इस तरीके के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं. मतलब जो ना ही टर्मिनेटिंग और ना रिपीट होता हो, पर डेसिमल में हो भाई. 0.8080 वहां पर जो एग्जाम्पल दिया था 8000 सो ऑन, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, रिपीट नहीं हो रहा, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रुक भी तो नहीं रहा, हर बार जीरो का नंबर पड़ता है. एक और लिख सकते हो 0.01001001, अच्छा 0. क्या लिख सकते हो 236 22, या फिर ये एग्जाम्पल हो तो सिंपल ही ले लो आप 0.20 2000 2000, ये पैटर्न लेना इजी हो जाता है, ठीक है. इस तरीके से लेना, ज्यादा सोचो को कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल ले लिए. तो अब आप करो क्वेश्चन नंबर 8. क्या कह रहे हैं, फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस रैशनल नंबर, मतलब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं. देखो
कभी भी आपको अगर किसी दो चीजों के बीच में कोई चीज बतानी है तो सबसे पहली बात ये क्या पूछने हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भाई दो इरेशनल नंबर्स के बीच में तो निकलेंगे ना, पर इरेशनल्स बोल रहे हैं। तो देखो इरेशनल दो तरीके के होते हैं, इसमें मैंने बताया, एक रूट वाले प्राइम नंबर्स और एक डेसिमल। तो क्या डेसिमल्स के बीच में इरेशनल निकल सकता है? ऑब्वियसली बात निकल सकता है। तो क्या हम जो ये रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं क्या हम उसको डेसिमल बना सकते हैं? ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट तो ये यहां से नहीं निकल सकता ना, इसके अंदर कुछ इरेशनल नहीं कर सकता। बट इरेशनल का हमने डेफिनेशन देखा तो उसका मतलब होता है डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी तो डेसिमल कन्वर्ट हो सकता है, तो बात बन सकती है ना, क्यों ना हम उसको डेसिमल कन्वर्ट करें बट उन दोनों डेसिमल्स के बीच में इरेशनल निकाल दें, ऐसा हो सकता है। सो देखो हम पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसको, अगर आप अपने घर पे आराम से बैठ कर सॉल्व कर लेना, इसको टाइम कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट करा दिया। तो इन दोनों के बीच थ्री रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? देखो ये तो बार वाले हैं भाई, ये तो रैशनल ही हैं, इन दोनों में से रैशनल नंबर। तो देखो 7, 1 और 8 इन दोनों के बीच में निकालना है ना हमें। तो देखो मैं निकालता हूँ 0.7300 7300 7300। अब बोलोगे सर हर बार आप 0 0 के पैटर्न बना रहे हो, भाई यही बनाना, यही सबसे ईजी और यही चलता है हर जगह। सॉल्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से 0 के पैटर्न में ही दे रखा होगा। जहाँ देखो ये इन दोनों के बीच में है, मानते हो नहीं मानते हो? है। और क्या ये इरेशनल नहीं है? यस है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकना ना रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आप दो एग्जाम्पल और बना दो, 750 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैंने तीन एग्जाम्पल लिख लिया है, पॉज करके वो कर लेना, क्या नोट कर लेना। अगला कह रहे हैं क्लासीफाई करो वेदर द फॉलोइंग्स आर रैशनल और इरेशनल। सो देखो पहला वाला पार्ट अगर मैं देखूं तो रूट में 23 है, तो रूट से अगर ये बाहर आ जाता है, मतलब इरेशनल देखो दो ही तरीके के होते हैं, दोबारा दोबारा सुन लो उसको। पहला रूट के अंदर प्राइम नंबर, क्या बोला? रूट के अंदर प्राइम नंबर कौन से जो अपने टेबल में आते हैं खाली, एंड सेकंड ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो रूट वाला केस है, तो उसको देखो सबसे पहले रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है कि नहीं है, भाई साहब प्राइम नंबर है इरेशनल। ये देखो ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है कि नहीं है, भाई प्राइम नंबर नहीं है, ये 225 है, ये इसका एलसीएम लोगे तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो रैशनल। अब ये देखो ये क्या होगा, अब ये डेसिमल वाले में कौन सा रैशनल होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, भाई ये टर्मिनेटिंग है तो ये तो रैशनल होगा ना, समझ पा रहे हो? ये देखो ये तो डॉट 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 करके रिपीट हो रहा है, ये 4 7 8 4 7 4 7 8 4 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग वाला भी क्या होता है? रैशनल। क्योंकि इरेशनल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मींस रिपीटिंग वाला क्या होगा? रैशनल। तो ये रैशनल कहलाएगा। फिफ्थ वाला होगा इरेशनल, देखो ना 1 0 1 0 0 1 0 0 0 रिपीट नहीं हो रहा है ना कि टर्मिनेट हो रहा है, तो इरेशनल। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी मैम ने एक्सरसाइज 1.3 डन करा दी है। मुझे 1.3 के ऊपर वाले क्वेश्चन का भी होमवर्क नहीं आया था, तो मैं होप करता हूँ कि आप पूरी एक्सरसाइज का इकट्ठा ही होमवर्क भेज दोगे, एंड बाकी मैंने एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। सो पूरी एक्सरसाइज ये होमवर्क में है, ये इसके एग्जाम्पल है ये भी होमवर्क में है। सो अब अगली क्लास में हम 1.5 करेंगे, 1.4 कटी हुई है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।